शिवसेना में लगभग दो फाड़ हो चुका है। ठाकरे की शिवसेना पर अब विधायकों की संख्या के अनुसार एकनाथ शिंदे का कब्जा होने जा रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र की सियासत नई करवट लेने जा रही है, जिसके बाद सीएम उद्धव ठाकरे के सामने इस्तीफा देने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। महाविकास अघाड़ी सरकार के गिरने के बाद मिड टर्म इलेक्शन और राज्य में भाजपा की सरकार बनने के दो ही विकल्प हैं। चूंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है, ऐसे में फिलहाल मिड टर्म इलेक्शन की गुंजाइश कम ही है। संभावना है कि राज्य में भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट गठबंधन की सरकार बने। सरकार बनने की स्थिति में देवेंद्र फडणवीस सीएम और एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बन सकते हैं। हालांकि अभी विधायकों की योग्यता को लेकर शिवसेना के बीच लंबी लड़ाई भी चल सकती है, जिसके कारण महाराष्ट्र का सियासी संकट थोड़ा लंबा चल सकता है। महाराष्ट्र का सियासी गणित महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना के शिंदे गुट द्वारा की गई बगावत अब रंग दिखाने लगी है। महाविकास अघाड़ी सरकार में मंत्री एकनाथ शिंदे 37 शिवसेना विधायकों और 9 निर्दलीय विधायकों के साथ गुवाहाटी के एक होटल में कैद हैं। शिवसेना के 37 विधायकों का हस्ताक्षर किया हुआ लेटर भेज उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवल, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और विधानमंडल सचिव राजेंद्र भागवत को बताया है कि अब वे शिवसेना विधायक दल के नेता हैं। एकनाथ ने भरत गोगावले को चीफ व्हिप नियुक्त किए जाने की जानकारी भी दी है। इस पद पर पहले सुनील प्रभु कार्यरत थे। 12 बागी शिवसेना विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग शिंदे की सेना में आज 3 शिवसेना और 5 निर्दलीय विधायकों के जुड़ने की संभावना है। वर्तमान में उनके पास आधिकारिक रूप से 46 विधायकों का समर्थन है। इस बीच शिवसेना के नेता अजय चौधरी ने डिप्टी स्पीकर नरहरि के समक्ष एक याचिका दायर की है। इसमें 12 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। इन पर गुरुवार को उद्धव ठाकरे द्वारा बुलाई बैठक में शामिल नहीं होने का आरोप लगाया गया है। याचिका में कहा गया है कि बैठक से पहले नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि अगर आप बैठक में शामिल नहीं हुए तो संविधान के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 12 विधायकों पर डिप्टी स्पीकर को लेना है फैसला। शिवसेना ने जिन 12 बागी विधायकों के नाम अयोग्यता के लिए प्रस्तावित किए हैं उनमें एकनाथ शिंदे, प्रकाश सुर्वे, तानाजी सावंतो, महेश शिंदे, अब्दुल सत्तारी, संदीप भुमरे, भरत गोगावाले, संजय शिरसातो, यामिनी यादव, अनिल बाबरी, बालाजी देवदास और लता चौधरी शामिल हैं। अब डिप्टी स्पीकर को इनके भविष्य पर फैसला लेना है। इस एक्शन पर एकनाथ शिंदे ने पलटवार करते हुए पूछा कि आप किसे डराने की कोशिश कर रहे हैं। शिंदे ने कहा कि वो नियम कानून जानते हैं। वजह ये कि हम वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के असली शिवसैनिक हैं, असली शिवसेना हैं। शिंदे ने उद्धव समर्थित विधायकों पर एक्शन की बात कही। शिंदे ने आगे कहा, आप किसे धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपकी चालबाजियों को जानते हैं और कानून को भी अच्छी तरह समझते हैं। संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार व्हिप विधायी कार्यों के लिए लागू होता है, न कि किसी बैठक के लिए। हम इसके बजाय आपके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं, क्योंकि आपके पास विधायकों की पर्याप्त संख्या नहीं है, लेकिन फिर भी आपने 12 विधायकों का एक समूह बनाया है। हम इस तरह की धमकियों पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। आइए अब 8 पॉइंट में समझते हैं महाराष्ट्र की सियासत किस करवट बैठ सकती है। शिवसेना में पहले भी हुई बगावत। 2014 में बीजेपी के साथ न जाने पर पार्टी तोड़ने को तैयार था शिंदे गुट। उद्धव को झुकना पड़ा था। महाराष्ट्र में विधानसभा का गणित 288 सदस्यों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना के 55, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के 53 और कांग्रेस के 44 विधायक हैं। बीजेपी के पास कुल 106 विधायक हैं, साथ ही कुछ निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन बीजेपी के साथ है। महाविकास अघाड़ी के पास कुल 169 विधायकों का समर्थन है। सरकार के लिए 144 विधायकों का समर्थन जरूरी है। शिंदे गुट पर नहीं लागू होगा दल बदल कानून। शिंदे गुट का कहना है कि उनके पास पार्टी के 2/3 यानी 37 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। ऐसे में उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होता है। आइए जानते हैं कि क्या होता है दल बदल कानून। कैसी थी बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना। लुंगी हटाओ के नारे से शुरू की पार्टी, मुस्लिमों को कहते थे हरा जहर, सरकार और सेना दोनों के एकनाथ शिंदे बागियों से बीजेपी का नाम लिए बगैर बोले महाशक्ति हमारे साथ। कुछ और एमएलए गुवाहाटी पहुंचे। 2.5 साल पहले सीएम पद शिंदे के हाथ से निकला, अब बगावत क्यों? 8 सवालों में सब जानिए।